हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वेब सीरीज लॉक एंड की का थर्ड एपिसोड। लेकिन अगर आपने पहले के दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बॉडी किन्जी और टाइलर को बॉक्स के अंदर बुलाता है, और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा चौंकाने वाला होता है। बॉक्स के अंदर एक अलग ही दुनिया है, यहां चारों तरफ गेम ही गेम है। असल में बॉडी को हेड की मिली है और वो उसका इस्तेमाल करके अपने ही दिमाग के अंदर आ गया है। यहां हर इमोशन इंसानों के बॉडी के शेप में ही होता है। दरअसल ये बॉडी का दिमाग है और उसे गेम खेलना पसंद है, इसलिए वहाँ गेम ही गेम है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स हैं जो कि बॉडी की यादें हैं। अब बॉडी एक बॉक्स उठाता है और उसके अंदर देखता है, और वो तीनों बॉडी की एक मेमोरी में पहुँच जाते हैं। यहाँ बॉडी के डैड बॉडी को एक समुद्री राक्षस की कहानी सुना रहे हैं, और वो तीनों दरवाजे पर खड़े होकर बॉडी और डैड को देख रहे हैं। तभी आधी कहानी में ही वो सब बाहर आ जाते हैं। किन्जी पूछती है कहानी में आगे क्या हुआ था। बॉडी कहता है शायद मैं कहानी का एंड सुनने से पहले ही सो गया था। और वो तीनों अब बॉक्स से बाहर आ जाते हैं और बॉडी वो की निकाल देता है, और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। टाइलर और किन्जी पूछते हैं ये सब कैसे हो रहा है और तुम्हें ये कीज कैसे मिल रही हैं। बॉडी कहता है मुझे आवाजें आती हैं पर मैं समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रही हैं, मैं बस आवाजें सुनकर वहाँ पहुँच जाता हूँ। अब बॉडी टाइलर को की लगाने के लिए कहता है पर टाइलर मना कर देता है। वो किन्जी को भी की यूज करने के लिए कहता है पर वो भी मना कर देती है। अब टाइलर कहता है कि ये सारी की मेरे पास ही रहेंगी क्योंकि बॉडी ने एक की ऑलरेडी घुमा दी है। इस पर बॉडी उन्हें बताता है कि मैंने तुम दोनों से एक बात छुपाई है। वो कहता है दरअसल वो कुएं वाली डरावनी आंटी सारी कीज पाना चाहती है। किन्जी कहती है तो ठीक है, मिरर की टाइलर के पास रहेगी और ये हेड की मैं रख लेती हूँ। टाइलर बॉडी से कहता है कि अगर वो वापस आती है तो फौरन हमें बताना, पर बॉडी कहता है अगर मुझे देर हो गई तो। यहाँ ये लड़की लैपटॉप में किसी मार्क जो नाम को देखती है और फिर वहाँ का दरवाजा खोलकर उसी जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ एक खंडहर है, शायद ये वही जगह है जहाँ एपिसोड 1 में उस आदमी ने अपने आप को जला लिया था। वहाँ तीन बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे के गले में एक की है। वो बच्चे से पूछती है तुम्हें ये की कहाँ से मिली। बच्चा कहता है तुम्हें इससे मतलब। वो उसे अपनी की दिखाती है और कहती है अगर तुम मुझे अपनी की दिखाओगे तो मैं तुम्हें अपनी की दिखाऊंगी। वो बच्चा उसके पास जाता है। वो लड़की पूछती है कि तुम्हारी की क्या काम करती है। वो कहता है ये एक लाइटर जैसी है। वो लड़की समझ जाती है कि वही की है जिससे उस आदमी ने अपने आप को जला लिया था। अब वो लड़की अपनी की से रेलवे स्टेशन का दरवाजा खोल देती है और उसके गले से की खींच लेती है और उस बच्चे को धक्का देकर उसके अंदर भेज देती है, जिससे एक ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर बाकी दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें किन्जी को दिखाया जाता है जो स्कूल आती है, तभी उसे वहाँ स्कॉट मिलता है। वो उसे एक म्यूजिक कंसर्ट का टिकट देता है और कहता है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे कंसर्ट होने वाला है, और वो किन्जी को साथ चलने के लिए कहता है। पर किन्जी कहती है कि उस दिन शायद मेरा पेपर है तो मैं ना जा पाऊँ। स्कॉट टिकट वापस अपने पास ले लेता है और कहता है कि अगर वो जाना चाहे तो उसे बता दे। दूसरी तरफ यहाँ शाम को हॉकी का मैच चल रहा है और बॉडी किन्जी और नीना टाइलर का मैच देखने आए हैं। तभी वहाँ एली भी आ जाती है। नीना बॉडी को एली से मिलवाती है और बताती है ये रूफस की मॉम है। अब मैच खत्म होता है और वो सब घर जाने लगते हैं। तभी टाइलर को जैकी अपनी फ्रेंड के साथ जाते हुए दिखाई देती है। वो जैकी से पूछता है क्या वो हबी के यहाँ जा रही है। जैकी कहती है हाँ बिल्कुल। तभी जैकी को एक लड़का दिखाई देता है जो किन्जी से कुछ बात कर रहा है। जैकी टाइलर से कहती है कि ये लड़का मुझे और इडन को पार्टी में ले जाना चाहता था। टाइलर उसके पास जाता है और किन्जी से पूछता है क्या वो ठीक है। किन्जी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो टाइलर को चलने को बोलती है। वो लड़का किन्जी से कहता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। टाइलर कहता है नहीं मैं इसका भाई हूँ। और वो लड़का टाइलर से कहता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। टाइलर को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को बहुत मारता है और उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी मिस्टर जो आते हैं और टाइलर को वहां से ले जाते हैं। अब वे स्कूल में हैं और मिस्टर जो नीना से कहते हैं कि लड़ाई उस लड़की ने शुरू की थी, पर गलती टाइलर की भी है, इसलिए उसकी कोच उसे टीम से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। टाइलर वहीं बेंच पर बैठा है, तभी उसे वो दिन याद आता है जब उसके डैड ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। वो इसी तरह बाहर बैठा था, तब सैम उसके पास आता है और टाइलर से कहता है कि अब क्या कर दिया तुमने। टाइलर कहता है कल रात दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद मैं कर्फ्यू में फंस गया था और 15 मिनट लेट आया था, और इसलिए मुझे आज डेट कर लेक्चर सुनना पड़ेगा। टाइलर कहता है सभी को लगता है कि किन्जी तो परफेक्ट है पर सारी गलती मेरी ही रहती है। सैम कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो कहता है कि मैं हर सुबह उठकर सोचता हूँ कि अपने डैड का खून कर दूं। इस पर टाइलर मजाक में कहता है कि अगर तुम किसी दिन अपने डैड को मारोगे तो मेरे डैड को भी ऊपर पहुंचा देना। टाइलर ने यह मजाक में कहा था पर सैम ने सच में बाद में ही ऐसा ही किया, और इसी बात का टाइलर को हमेशा गिल्ट फील होता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और वही नकली पैर वाला लड़का आता है। वह कहता है तुमने उसे अच्छा मारा। टाइलर कहता है वो मेरी बहन को परेशान कर रहा था। अब वो लड़का कहता है तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, और वो ये कहकर चला जाता है। सुबह होती है और किन्जी स्केच बना रही है, तभी उसे स्कॉट का मैसेज आता है और वो उससे म्यूजिक कंसर्ट में चलने के लिए पूछता है, पर किन्जी उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। वो वहाँ टाइलर को देखती है जो पोछा लगा रहा है।
क्योंकि स्कूल से उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। किंजी उसके पास आती है। टाइलर उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने कल रात उसे धक्का दे दिया था जब लड़ाई हो रही थी। किंजी कहती है तुम्हारी आंखों में बहुत गुस्सा था और मैं तुम्हें देखकर बहुत डर गई थी। वो टाइलर से कहती है कि आजकल मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैं अपने दिमाग के अंदर जाना चाहती हूँ, और वो की यूज करने के लिए कहती है। टाइलर कहता है ठीक है पर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे दिमाग में चलूंगा। अब किंजी अपनी गर्दन में की लगाती है और वो दोनों किंजी के दिमाग में चले जाते हैं। वहाँ एक अजीब सा माहौल है। किंजी का दिमाग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब वो अपनी मेमोरी के बॉक्स में देखती है जहाँ उसके डैड किंजी को वही समुद्री राक्षस वाली कहानी सुना रहे थे जो वे बोडी को सुना रहे थे, और किंजी और टाइलर वहीं बैठकर ही देख रहे हैं। कहानी खत्म करके उसके डैड चले जाते हैं और वहाँ टाइलर आता है। वो अभी छोटा है और किंजी को उसका टॉय देता है। तभी वो दोनों मेमोरी से निकलकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ लड़ाई हुई थी। टाइलर पूछता है हम यहाँ कैसे आ गए। किंजी कहती है मुझे पता नहीं, बस मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और हम यहाँ आ गए। टाइलर कहता है क्या तुम अपनी मेमोरी को कंट्रोल कर सकती हो। किंजी कहती नहीं। तभी वहाँ एक लड़की काले कपड़ों में आती हुई दिखाई देती है। टाइलर कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है, और तभी वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। किंजी और टाइलर बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चलना चाहिए, और अगले ही पल वो सियाटल में अपने पुराने घर में पहुँच जाते हैं जहाँ सैम किंजी को मारने के लिए ढूंढ रहा है, और किंजी बॉडी को लेकर छुपी हुई है और उसे यही सीन बार बार दिखाई देता था। किंजी कहती है कि मैं उस समय बहुत डरपोक थी क्योंकि यहाँ एक रॉड रखी थी और मैं सैम को मार सकती थी पर मैं बहुत डर रही थी। तभी वो काले कपड़ों वाली किंजी आती है और वो टाइलर पर हमला कर देती है। ये चुड़ैल की तरह दिख रही है और ये टाइलर को किंजी की मेमोरी के अंदर रियल में मारने लगती है। तभी किंजी वहाँ से वही रॉड उठाती है और उसे मार देती है। दरअसल ये किंजी का डर ही है। जैसा कि बॉडी ने कहा था यहाँ फीलिंग भी इंसानों के जैसी ही दिखती है, और वो दोनों मेमोरी से बाहर जाते हैं। टाइलर देखता है कि उसे सच में चोट लगी हुई है। वो कहता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों करवाया। किंजी कहती मैंने नहीं करवाया। टाइलर कहता है ये तुम्हारे दिमाग में था, और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ नीना और एली एक बार में आई हुई है। वो दोनों पुरानी बातें शेयर करते हैं। नीना मजाक में कहती है कि बॉडी को तो कुएं के पास ना दिखने वाली एक दोस्त मिल गई है जिससे वो बातें करता है। एली हैरानी से उसे देखती है और कहती है कुएं के पास। यहाँ बॉडी कुछ खा रहा है तभी उसे फिर से कीस के फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। वो ध्यान से सुनता है और आवाज का पीछा करता है और आवाजें तेज होती जाती है, और उसे एक फोटो में एक और की मिल जाती है, और की मिलने के बाद आवाजें आना बंद हो जाती है। बॉडी देखता है कि की के हेड पर जैसा डिजाइन है वही डिजाइन एक दरवाजे के हैंडल पर भी है। वह की से जैसे ही दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकल जाती है, उसकी बॉडी वहीं गिर जाती है। बॉडी उड़कर टाइलर के पास जाता है और उसे बुलाता है पर वो टाइलर को दिखाई नहीं दे रहा है। अब बॉडी पूरे आसमान में उड़ने लगता है और उसे बहुत मजा आता है। वह उड़ते उड़ते जंगलों में जाता है, फिर एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जो उन्हीं की फैमिली का है। तभी वहां एक आदमी मिलता है और बॉडी से पूछता है क्या भूत हो। वो आदमी कहता है हाँ मैं भूत हूँ पर तुम्हारी तरह नहीं, मैं काफी समय पहले मर चुका हूँ। बॉडी पूछता है कि क्या आपने मेरे डैड मिस्टर रेंडल को देखा है, उनकी मौत सियाटल में हुई थी। वो आदमी कहता है कि यहाँ वही लोग रहते हैं जिनकी मौत की हाउस में हुई हो। ये आदमी कहता है कि मुझे रेंडल की मौत का अफसोस है, वो एक बहुत अच्छा आदमी था। बॉडी कहता है कि क्या आप उन्हें जानते हैं। वो आदमी कहता है हाँ मेरा नाम चैम्बलिन लॉक है और रेंडल मेरा पर पोता था। तभी बॉडी को कुछ आवाजें आती हैं और वो कहता है कि शायद बॉम्ब आ गई है और मुझे जाना होगा, और वो यहाँ से चला जाता है। तभी उसे आसमान में उड़ते हुए नीचे एली दिखाई देती है। वह कुएं का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और कुएं में की रख देती है, और वहाँ वह लूकस को बुलाती है जो उसका फ्रेंड था। बॉडी सब देखता है और यहाँ से चला जाता है, और यहाँ टाइलर बॉडी को ढूंढ रहा है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर बॉडी की बॉडी पर पड़ती है और वो वहाँ जाता है। वह बॉडी को उठाता है पर वो नहीं उठता। टाइलर बहुत घबरा जाता है। तभी बॉडी की आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। वो उठ जाता है और टाइलर को बताता है कि मुझे ये की मिली है जिससे हम भूत बन सकते हैं। टाइलर कहता है मुझे लगा तो मर गए थे। वो बॉडी को समझाता है और की यूज करने के लिए मना करता है। यहाँ किंजी अपने स्क्रैच देख रही है। तभी नीना यहाँ आती है और किंजी से कहती है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ समय बिताना चाहिए। वो कहती है कि तुम बाहर जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब किंजी स्कॉट के पास जाने लगती है और उसके पास वही हेड की है। यहाँ टाइलर बॉडी को उसके रूम में ले जाता है और उसे सुलाता है। बॉडी कहता है कि चैम्बरिन ने मुझसे बताया था कि डैड भी के यूज करते थे। टाइलर कहता है कि उन्होंने हमें कभी भी इस बारे में नहीं बताया क्योंकि शायद वो हमें इन सबसे दूर रखना चाहते थे। यहाँ किंजी हेड की यूज करती है और वो अपनी मेमोरी में जाती है जहाँ वह एक जंगल में है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बैग है। दूसरी तरफ नीना एक बुक देख रही है, उसमें उसे एक डिजाइन दिखाई देता है और उसे याद आता है कि सेम यही डिजाइन सैम के हाथों में भी था। और यहाँ किंजी बैग को घसीट कर जंगलों के बीच में ले जाती है और इसमें है किंजी का डर जो कि शरीर के रूप में है। किंजी ने अपने डर को मार दिया है और वो उसे जंगल में दफना रही है, और उसे ऐसा करते हुए वही कुएं वाली लड़की देख लेती है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों लॉक एंड की का ये थर्ड एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।